नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए देख लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सिंगापुर के काउंसलर जनरल अजीत सिंह ने भेंट कर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल होने की दी जानकारी। विमानन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में विभागीय परामर्शदात्री समिति की हुई बैठक। और राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से विधानसभा में सिंगापुर के काउंसलर जनरल अजीत सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सिंगापुर से प्रदेश के रिश्ते और अधिक बेहतर बनाए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सिंगापुर का औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल भेजे। सिंगापुर के युवा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश में आए और यहाँ की प्रगति का अध्ययन करे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले प्रतिनिधिमंडल में सिंगापुर की अच्छी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक तहसील में 3 साल, जिले में 5 साल, संभाग में 10 साल से अधिक नहीं रहेंगे। आरआई और पटवारियों के लिए आवास बनाने के लिए रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर विचार किया जाएगा। राजस्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ये निर्देश विभागीय योजनाओं की समीक्षा में दिए। गुप्ता ने कहा कि अब नए तहसील भवन के साथ आवासीय क्वार्टर का प्रस्ताव भी बनाएं। और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र रक्षा के लिए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कारगिल युद्ध में शहीद देशभक्त जवानों को सदियां याद रखा जाएगा। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने आज कारगिल विजय दिवस पर जवानों को आदरांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम आयोजकों को भी बधाई दी। सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश में ये पहला अवसर है कि इतनी अधिक संख्या में दिव्यांगों को कौशल विकास के लिए आईटीआई के विभिन्न ट्रेंड्स में प्रवेश दिलाने की पहल की गई है। भार्गव आज दिव्यांगजन को प्रवेश पत्र का वितरण कर रहे थे। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यात्रियों की सुविधा के लिए कान्हा के समीप बालाघाट के बिरवा और मंडला में हवाई पट्टी निर्मित की गई है। ये जानकारी आज विमानन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी गई। बैठक में विधायक राम सिंह यादव, जालम सिंह पटेल, गोपाल भार्गव, बालकृष्ण परिहार, नागर सिंह चौहान, ममता मीणा सहित प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस उपस्थित थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की सारी खबरें अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।